प्रदेश के कानपुर जिले के बर्रा क्षेत्र में स्थित जरौली फेस टू में नवविवाहिता ने फांसी के फंदे में झूलकर समाप्त की जीवन लीला। यह देख मोहल्ले में फैली सनसनी। जानकारी के मुताबिक दो दिन पूर्व ही वह अपने मायके से ससुराल आई थी और यहां आज उसने पारिवारिक कलेश की वजह से अपने जीवन की लीला समाप्त कर दी। आपको बताते चले कि मृतिका रोशनी यादव जो कि कल्याणपुर निवासिनी थी, उनका विवाह बर्रा के जरौली फेस टू में निवासी कृष्ण कुमार के साथ बीते 26 अप्रैल को हुआ था। घर वालों का रो रोकर बुरा हाल है। मौके पर सूचना पाकर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर, समाचार इंडिया न्यूज। सॉरी सॉरी, 12:30 बजे के आसपास मैंने खाना मांगा उनसे, तो मैंने कहा रोशनी आई है, तो रोशनी खाना खा ले आके, तो फिर मैं ऊपर बुलाने गया रोशनी को, मैंने बुलाया उसे। सबसे पहले किसने देखा, कैसे जानकारी मिली आपको, किसकी जानकारी? बॉडी की जानकारी किसको मिली, किसने देखा? बॉडी जानकारी एक्चुअल मम्मी ने देखा सबसे पहले। एक्चुअल मम्मी बोल रही थी कि सबकी लाने जा रही हूँ और काफ़ी शाम हो गई है तो उसे बुला दो। एक्चुअल एग्जिट पोल चल रहे थे, 6-7 राज्यों के चुनाव का मतलब वो आंकलन आ गया था लगभग। मैं भी एग्जिट पोल देख रहा था तो 6:30 बजे से शुरू हो रहा था आज तक, तो मैंने देखना शुरू किया तो सॉरी। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब फिर मम्मी आई मेरे पास, मम्मी बोलने लगी कि बेटा अभी बेटा वो सो रही है, अभी तक जगी नहीं, वो बुला दो। फिर मैंने कहा मम्मी आप देख लो, देखो जा करके कुछ जो उसको जगा दो जा करके, आप भी जाओ जाओ। फिर उसके बाद मतलब